मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूँ। सुधा बेटी, पति संजय बस, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूँ। सुधा बेटी, पति संजय बस, अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, कई साल हो गए थे हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। दो चार साल तक तो इंतजार करा, पांच साल, छह साल, सात साल, आठ साल, नौ साल, दस साल, ग्यारह साल, बारह साल, तेरह साल, चौदह साल, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अट्ठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नजदीक में पांच घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आईं कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी। ये हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम यहाँ दर्शाता है।